हेलो गाइस, आई एम हितेश त्रिपाठी एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर वाई न्यूटन स्कूल एंड इन दिस वीडियो दैट इज डे 16 ऑफ दिस प्लेलिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड गोरदम्स वी आर गोइंग टू लर्न डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट ओके सो ये दोनों हमारे लिंक लिस्ट के वेरिएशन हैं ओके okay? और दे हैव देयर ओन इन्हांस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ओके दैट्स वाई ये दोनों जो वेरिएशन हैं लिंक लिस्ट के वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं

Complete developer and then they will get you placed in these companies. Not only this, they provide you a minimum CTC of 5 lakh, so it is also a good thing. And uh, under pay after placement program, there is a policy that you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. Okay, so it is the most amazing thing about their pay after placement program so if you want to know or join this pay after placement program just come to newtonschool.co and apply now here okay these days they also have a new initiative that is launchpad under which they are providing you different programming courses and core subject courses development courses absolutely for free yes you can come to their website newtonschool.co just sign up for free and join any course and start learning okay so there are different courses for different frameworks and everything they will also provide you certificates after completion of course and you can practice quizzes here you can practice you can code here also there is newton school ide for you so there is a complete platform which they are providing you for free so just come to newtonschool.co and check their launchpad initiative and pay after placement program now, if you haven't subscribed this YouTube channel that is Code Kitchen Newton School, okay, so just come to YouTube and subscribe this YouTube channel where I am posting one video every day and uh, we are going to complete our C and data structures and algorithms as soon as possible. So, firstly, I have taught you everything about C, then STL in C, which is a very important topic for competitive programming, okay, and after that.

लाइक लिंक लिस्ट में हमारे पास होता क्या था हमारे पास एक अगर नोड है उसमें दो चीज होती थी ठीक है एक ये इसका डेटा दैट इज डी यू कैन से और एक पॉइंटर जो कि तुम्हारे नेक्स्ट एलिमेंट को या नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता था अगेन इट विल पॉइंट टू नेक्स्ट नोड अगेन इट विल पॉइंट टू नेक्स्ट नोड ओके एंड एट द एंड अगर कोई नोड नहीं है तो इट विल बिकम नल तो डबली लिंक लिस्ट उसका वेरिएशन है ओके लिंक लिस्ट का और कुछ इनह कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनहसमेंट क्या हुआ है कि अब मेरे एक सिंगल नोड में ठीक है एक फॉरवर्ड पॉइंटर के साथ साथ एक बैकवर्ड पॉइंटर भी है सिंपल ठीक है तो अब मेरे नोड में एक सिंपल नोड में थ्री थिंग्स हैं बिटवीन में डेटा डी एक पर्टिकुलर uh, नोड का डेटा एक प्रीवियस पॉइंटर यू कैन से प्रीवियस पॉइंटर और फॉरवर्ड और बैकवर्ड पॉइंटर ओके सो राइट नाउ आई एम सेइंग इट प्रीवियस पॉइंटर एक प्रीवियस पॉइंटर और एक नेक्स्ट पॉइंटर ठीक है तो अगर ये तुम डायग्राम में देखो सिंपली अगर ये तुम्हारा एक नोड है ठीक है उस पर कुछ डेटा है बी ठीक उसका एक प्रीवियस पॉइंटर है दैट इज दिस पी और उसका एक नेक्स्ट पॉइंटर है दैट इज एन ओके अब नेक्स्ट पॉइंटर उसके आगे वाले नोट को पॉइंट कर रहा है दैट इज सी और जो प्रीवियस पॉइंटर है उसके पहले वाले नोट को पॉइंट कर रहा है ट इज ए सो नाउ यू विल से हमारी लिंक लिस्ट ऑलरेडी थी तो हमने ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया Because अब हमारा जो लिंक लिस्ट में कुछ ऑपरेशन थे जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा थी ठीक है सो इनहसमेंट ऑफ कैरेक्टर सिक्स से क्या हुआ हमने अपने कुछ ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम की होगी वो क्या है वो अभी मैं बताऊंगा लेटर इन दिस वीडियो ओनली ओके सो so, एक बार कंप्लीटली देख लेते हैं कि डब्ल्यू लिंकलिस्ट होती क्या है डब्ल्यू एज द नेम सजेस्ट कि हमारे पास दो टू पॉइंटर्स होंगे हर नोड में ठीक है टू पॉइंटर्स में से एक पॉइंटर तुम्हारे प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा और एक पॉइंटर तुम्हारे फॉरवर्ड नोड को पॉइंट करेगा ठीक है सिंपल अब मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट नोड है फर्स्ट नोड में जो प्रीवियस पॉइंटर होगा वो नल होगा ओके okay? बिकॉज उसके पहले कोई भी प्रीवियस नोड नहीं है एंड लास्ट नोड में एज वी नो कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो नल होगा ठीक है तो इजी सा है बस अब मेरे पास हर नोड में थ्री थिंग्स हैं दैट इज एक प्रीवियस पॉइंटर ठीक है एक नेक्स्ट पॉइंटर और डेटा अपना सिंपल ठीक है फाइन ना देर हैज बीन सम एडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यू सम डिसएडवांटेजेस एंड इसकी कुछ So स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस यू कैन से सो नाउ लेट्स जस्ट सी दैट ठीक है पहले मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेता हूं ठीक है इसके डिसएडवांटेजेस आपको क्या देख रहे हैं इससे यहां से फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस कि अब मुझे हर नोड में दो की जगह थ्री थिंग्स स्टोर करवानी पड़ेंगे एंड दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज ओके दैट मेमोरी यूजेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है ओके okay, बिकॉज अब वन पॉइंटर की जगह वी हैव टू यूज टू पॉइंटर फॉर ईच नो ओके सो यू कैन से इफ लेंथ ऑफ योर लिस्ट इज सम एन तो मेरे पास एन एक्स्ट्रा पॉइंटर्स का स्पेस मेरा यूज हुआ अब ठीक है तो दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ डब्ल्यू लेंकलेस सेकेंड इज कि ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है ठीक है तो लिटिल बेस लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स तो है ही क्योंकि लिंक लिस्ट ऑलरेडी अपने आप में थोड़ा सा पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आता है ठीक है उसके बाद डब्ल्यू लिस्ट थोड़ा सा लिंक लिस्ट से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है फाइन अब मैं इसके एडवांटेजेस बताता हूं फर्स्ट एडवांटेजेस कि अब मेरे पास हर नोड में अगर उसके आगे वाला नोड है यू कैन से दैट इज नेक्स्ट पॉइंटर तो मेरे पास हर नोड के एक पीछे वाला नोड भी है दैट इज प्रीवियस पॉइंट है है ठीक तो इससे मुझे क्या एडवांटेज हो रहा है सपोज जब मैं लिंक लिस्ट में कोई डिलीट डिलीट करता था delete का मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑपरेशन पूरा डिफाइन किया था तो इफ यू हैवेंट सीन दैट वीडियो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो फोली ओके तो डिलीट करने के टाइम मुझे दो चीज चाहिए होती थी एक प्रीवियस नोट ओके और एक टारगेट नोड जो मुझे डिलीट करना है एंड फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ता था ट्रैवर्स करना पड़ता था अपनी लिंक लिस्ट में ठीक है ताकि मुझे प्रीवियस नोड मिल सके बट नाउ अगर मुझे टारगेट नोड मेरा पता है ठीक है डबल लिंक लिस्ट में अगर मुझे मेरा टारगेट नोड पता है सो आई कैन डिलीट दिस नोड इजिली इन ओ ऑफ वन ऑपरेशन हाउ क्योंकि अब मुझे प्रीवियस नोड भी पता है ठीक है सो वॉट आई कैन डू इज मेरे पास प्रीवियस नोड है मैं डिरेक्टली इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है uh, मेरे टारगेट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर से ज्वाइन कर दूंगा ठीक है और जो मेरा टारगेट नोड का नेक्स्ट नोड है ठीक है उसका प्रीवियस पॉइंटर सिंपली टारगेट नोड के प्रीवियस पॉइंटर से ज्वाइन कर दूंगा एंड कंप्लीट डिलीशन इज डन ओके सो एक ऑपरेशन मेरा ये एडवांटेज है ठीक है सेकेंड एडवांटेज इज कि जब मेरी लिस्ट थी तो मैं एक कॉमन डायरेक्शन में बस ट्रैवल्स कर सकता था दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग टूवर्ड्स एंड ओके बट नाउ आई कैन ट्रेवल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन आल्सो सपोज मेरी पास एरेज थी ठीक है मैं एरेज में जीरो से एन साइड भी ट्रैवल्स कर सकता था और एन टू जीरो भी ट्रेवल्स कर सकता था ठीक है क्योंकि कंटिन्यूस लोकेशन होती थी बट लिस्ट में सिंगली लिस्ट में यू कैन से स्ट और सिंगली लिंकलेस्ट मैं खाली स्टार्ट से एंड की तरफ ट्रैवल्स कर सकता था बट इन डबली लिंकलेस्ट आई कैन ऑल्सो ट्रेवल्स फ्रॉम एंडिंग टू यू कैन सेड फ्रॉम टेल टू एंड ओके सो यू कैन ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन सो दीज वर टू मेन एडवांटेजेस ऑफ डब्ली लिंकलेट ओके ना यूजेस अब मेरे एडवांटेजेस हैं और उसी से कुछ यूजेस भी जनरेट होंगे

और यू कैन से फॉरवर्ड एरो ऑल्सो ठीक है तो यहाँ पे हम डब्ल्यू लिंकलेस का यूज करते हैं लाइक इट इज गिवेन ऑल्सो इट इज यूज बाय द ब्राउजर्स टू इंप्लीमेंट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नेविगेशन वेस्टेड वेब पेजेस ओके तो सिंपल सा बोर्ड डायरेक्शन में इट इज ऑल्सो यूज बाय वेरियस एप्लीकेशन टू इम्प्लीमेंट अंडू एंड रेडू फंक्शन अंडू और रेडू फंक्शन भी सेम चीज है ठीक है डब्ल्यू लिंक इज ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्टिंग एम आर यू एंड एल आर यू कैश अब ये होते क्या है ये होते हैं सिंपली मोस्ट रिसेंटली एंड लीस्ट रिसेंटली यूज कैश मेमोरीज ओके अब इसके बारे में ज्यादा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पढ़ने के लिए मिलेगा मैं आपको शॉर्ट बताता हूं कि मोस्ट रिसेंटली और लीस्ट रिसेंटली यूज में क्या होता है हमारा क्यू का यूज होता है ठीक है क्यू का यूज होता है दैट इज आपको अगर नेम से सजेस्ट हो रहा है लीस्ट रिसेंटली यूज दैट इज कि हमने सबसे पहले जो यूज किया था ठीक है हमें

कि हम बोथ डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं ओके सो दिस इज द मेन रीजन एंड ऑपरेशंस ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन आर काइंड ऑफ ओ ऑफ वन ऑपरेशन सो दैट्स वाई वी यूज लिंक लिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर सो नाउ हमें पता चल गया कि हम लिंक लिस्ट क्यों क्या, क्या होता है हम उसका एडवांटेज क्या क्या है और हम कब कब यूज कर सकते हैं सो so, हम शॉर्ट में उसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं ठीक है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सो so हमें और अच्छे समझ में आ जाए अब अगर मैं कहूँ कि डब्ल्यू लिंकलेस में, में मेरे पास ती, तीन चीजें थी दैट इज अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊँ एक सिंगल नोट का इंटीजर टाइप का डेटा नेक्स्ट नोट के लिए एक पॉइंटर फॉरवर्ड नोट प्रीवियस नोट के लिए एक पॉइंटर ठीक है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड नोट के लिए दो पॉइंटर अब अगर उसी में मुझे पुश ऑपरेशन या इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है ठीक है तो इंसर्शन ऑपरेशन कैसे होगा सिंपल सा ऑपरेशन देखो सपोज आई हैव दिस नोड ठीक है मेरे पास डी डेटा है ये प्रीवियस है और ये नेक्स्ट नोड ठीक है मैंने इंसर्शन करना है बिगनिंग में तो मैं सिंपली क्या करूंगा जो मेरा हेड है ठीक है ये करेंटली मुझे हेड का रेफरेंस है जो मेरा हेड है उसका जो प्रीवियस है मैं उसको क्या बना दूंगा अपने न्यू न्यू नोड को पॉइंट कर दूंगा ठीक है अगर मेरा न्यू नोड यहां पे है तो इसका जो प्रीवियस है वो इसको पॉइंट कर जाएगा मेरा न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर जाएगा सिंपली मेरे हेड को ठीक है और जो इसका प्रीवियस नोड है न्यू नोड का वो क्या हो जाएगा नल सिंपल सा ऑपरेशन है ठीक है तो आपको वही करना है और वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी होगी मैंने एक न्यू नोड बनाया ठीक है मेमोरी अलॉट किट की मैंने न्यू नोड नेम दे दिया उसे उसका डेटा इंसर्ट कराया मैंने उस नोड में ठीक अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट था मुझे किसको पॉइंट करना था हेड को आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट और जो प्रीवियस था मुझे क्या बनाना था नल अब मैं सिंपली चेक करूंगा कि कहीं मेरी जो लिंक लिस्ट है ठीक है डब्ल्यू लिंक लिस्ट सॉरी उसका जो हेड है वो नल तो नहीं है अगर नल नहीं है सो वॉट विल सिंपली डू इज जो मेरे हेड रोड का प्रीवियस है उसको मैं न्यू नोड को पॉइंट कर दूंगा सिंपल तीन ऑपरेशन करने हैं ठीक है थीके? और एट द एंड जो मेरा हेड नोड का रेफरेंस है बिकॉज ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे कोई नया नोट ऐड कर रहा हूँ ठीक है तो अब मेरा हेड नोट का रेफरेंस क्या हो जाएगा ये वाला नोट क्योंकि मैं बिगने में कर रहा हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा हेड नोट न्यू नोट को बना दूंगा ठीक है सो दिस वॉज सिंपल इंसर्शन ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यू लिंकलेस नाउ हेडिंग टूवर्ड्स सर्कुलर लिंकलेस एज द नेम सजेस्ट सर्कुलर लिंकलेस में कुछ सर्कुलर प्रॉपर्टी होती है ठीक है अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज दैट इन विच द लास्ट नोट कंटेन द पॉइंटर टू द फर्स्ट नोट सिंपल सा ऑपरेशन है जैसा कि मेरा लिंक लिस्ट होता था उसमें अगर मैं बनाऊं लिंक लिस्ट यहाँ पे तो जो लास्ट नोट होता था उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होता था वो नल होता था सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये जो लास्ट पॉइंटर है ठीक है लास्ट नोट का पॉइंटर वो नल ना होके वो सिंपली क्या करेगा हमारे फर्स्ट नोट को पॉइंट करेगा एंड इतना सा इनहसमेंट इन लिंकलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड इट इज नाउ नोन एज सर्कुलर लिंक ओके सो ऑब्वियसली इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इस वजह से एडवांटेजेस की वजह से सर्कुलर लिंक यूज होती है ठीक है तो वन मेन एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर लिंकलिस्ट कि जग, अगर मान लो मैं लिंक लिस्ट में होता था, था जब ठीक है और मैं मान लो ट्रेवर्स करता था ठीक है Fine. और एक बार के ट्रैवर्सल के बाद वन टाइम ट्रैवर्सल ठीक है और उसके बाद मेरे पास यहां पे नल मिल जाता था मुझे और मैं इसके आगे ट्रैवर्स नहीं कर सकता और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं जा सकता भाई क्योंकि मेरे पास खाली फॉरवर्ड पॉइंटर था अब मैंने क्या किया जो लास्ट नल था मैंने उसको फर्स्ट एलिमेंट से पॉइंट कर दिया सो नाओ आई कैन ट्रैवर्स मल्टीपल टाइम्स इन द सेम लिंक लिस्ट ओके इट डजेंट डिपेंड कि आप किसी भी नोट से स्टार्ट करो आप इस नोट से ट्रेवर्सार्ट करो आप मल्टीपल टाइम्स अपने लिंक लिस्ट में ट्रेट कर सकते हो ठीक है मैं अगर क्लियर कर दूँ यहाँ पर तो अगर आपने इस नोट से स्टार्ट किया आप इस पर जाओ इस पे जाओ फिर आप फर्स्ट में आओगे यू कैन ट्रैवर्स मल्टीपल टाइम्स इन योर लिंक लिस्ट ओके सो दैट्स वाई सर्कुलर लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट हुई थी ओके okay. अब ये यूज कहाँ पे आती है यूज बताता हूं इसका सब आ, इसका एक मेन यूज है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कहां पे सपोज बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और उनकी शेड्यूलिंग करनी पड़ती है ठीक है तो आ, आपका शेड्यूलर हुआ ठीक है शेड्यूलर में आपने क्या किया एक प्रोसेस पुट किया दूसरे प्रोसेस पुट किया तीसरा प्रोसेस पुट किया और चार प्रोसेस हैं टोटल आपके पास P1, P2, p3 p4 ठीक है आपने p2 से स्टार्ट किया सबसे पहले ठीक है फिर p2 कंप्लीट करके p3 में आए थोड़ा टाइम p3 को एलोकेट किया फिर p4 को एलोकेट किया फिर अगेन आप यहां पे पूरे प्रोसेस क्विट नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपके हो सकता है प्रोसेस 1 2 3 4 कंप्लीटेड नहीं है दैट्स व्हाई यू हैव टू गो अगेन टू p1 तो इसी तरह आप फिर वापस पीवन में जाओगे फिर थोड़ा थोड़ा टाइम सबको एलोकेट करोगे फिर वापस से पीवन में जाओगे तो मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट और यू कैन से यूज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज एंड टाइम ट्रैवर्सल और मल्टीपल ट्रैवर्सल ठीक है मल्टीपल ट्रैवर्सल इज द मेन यूज ऑफ लिंक लिस्ट एंड दैट्स वाई सर्कुलर लिंक लिस्ट इज यूज ओनली ओके तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होती है एंड दिस वॉज द मेन use of circular linked list अब हम जल्दी से इसका भी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं स्ट्रक्चर मेरा सेम रहेगा जैसा कि मेरा लिंक्ड लिस्ट में होता था क्योंकि मुझे बस क्या चेंज करना है जो अपना लास्ट नोड है उसका जो नल है पॉइंटर उसको नल नहीं करना है उसको फर्स्ट नोड के इक्वल करना है तो सेम थिंग आई विल डू हियर ठीक है मैं सिंपली वही करूंगा मान लो इंसर्शन करना है ठीक है इंसर्ट अ नोड एट द बिगनिंग ऑफ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट तो मैंने दो नोड एक पॉइंटर वन बनाया ठीक है जो कि मेरा मेन न्यू नोड मैंने एलोकेट किया फिर मैंने एक टेम्परेरी नोड लिया जिससे मैं अपना ट्रैवर्सल करूँगा फ्रॉम हेड टूवर्ड्स द एंड नोड ओके एंड नोड तक जाऊंगा पॉइंटर मैंने अपना डेटा एलोकेट किया और इनिशियली मैंने अपने न्यू नोड को क्या कर दिया हेड को इक्वल बना दिया अब मैं सिंपली चेक करूँगा कि अगर मेरा हेड नोड जो है वो नल के इक्वल नहीं है तो मैं एंड नोड तक जाऊँगा दैट इज लास्ट नोड और लास्ट नोड पे जैसे ही मैं पहुंच जाऊंगा वन तो का नेक्स्ट है उसको पॉइंटर वन को ही पॉइंट करना दैट इज एक सिंगल नोड है मेरा और सिंगल नोड को ही मैंने उसका नेक्स्ट पॉइंटर उसी को पॉइंट कर दिया ठीक है और एट द एंड मुझे अगेन वही करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इंसर्शन स्टार्टिंग में करवाया तो हेड रेफरेंस मैंने चेंज करके पॉइंटर वन कर दिया दैट इज माई न्यू नोड ओके सो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों लिंकलिस्ट ओके दैट्स वाई आई हैव मेड दिस वीडियो थैंक यू गॉयज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू हैवन चेक द न्यूटन स्कूल डॉट कॉम वेबसाइट एंड देर पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड लॉन्च माइड इनिशियेटिव जस्ट गो एंड चेक इफ यूट टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट गो फॉर पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न एवरी थिंग so just go for launchpad initiative again go to youtube and subscribe code kitchen new, new newton school youtube channel i am posting one video every day where we are completing our data structures and algorithm thank you guys for watching